अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं रगड़ा और ये है 2 कप भीगे हुए मटर। 5 घंटे तक भीगा हुआ है। हम सीटी लगा के बॉईल कर लिए, 5 से 6 सीटी। हमने लिए हरी मिर्ची 6 से 7 और लिया है अदरक 1 इंच के करीब और ज़ीरा। हम इसको अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाले को देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। हमने चटनी बनाने के लिए लिया है गुड़ और ना 2 कटोरी के करीब गुड़, आधी कटोरी इमली का पल्प। और अब हमने इधर पैन चढ़ा दिया है। पैन में हम डालेंगे जीरा पाउडर और हम डालेंगे इसमें सौंफ। और इसमें डालेंगे हम कुटा हुआ लाल मिर्च। ये सब अच्छे से चटकने लग जाए तब डालेंगे इमली का पल्प हम डालेंगे। और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे ना, आधा चम्मच। और हम अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सोल्ट पाउडर, होममेड गरम मसाला, देर का जैगरी है ये। अब ये हमारे रगड़े की इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। और ये देखो मैं आपको सासुर पे डाल के भी बताती हूँ, बहुत अच्छी बनी है ये। अब ये देखो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। रगड़े को चंक्स थोड़ा चंकी रहने दिया। अब इसमें हम डालेंगे आलू, उसको भी हम थोड़े चंक्स कर लेंगे आलू को भी। हरा मसाला हमारा जो हमने तैयार किया हुआ था, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी और हमारे जो भी मटर है वो हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। और इसे खूब अच्छे से हम चलाएंगे और पकाएंगे। अब हम प्लेट प्रेजेंटिंग सर्व करेंगे। देखो प्लेटिंग करेंगे किस तरीके से हम रगड़े की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और सेकंड है मेरे पास इमली की चटनी। यम्मी टेस्टी। बारीक कटा हुआ प्याज, ऑनियन एंड टमाटो और चाट मसाला डालेंगे हम इसमें। और डालेंगे हम सेव। वेरी वेरी टेस्टी। अब देखिए कैसा लगता है ये आपको मेरे रगड़े की रेसिपी। लाइक मुंह में पानी आ रहा है।